योर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम यू और कुछ हाँ जी हाँ उसका मीनिंग क्या उसको उसको इंटरनलाइज करना है कि क्या मीनिंग है इसका पावो विद इन मतलब मतलब गिफ्ट टाइम फॉर योर सेल्फ और उस टाइम में क्या करेंगे फ़ोन के साथ बैठेंगे गिव टाइम फॉर योर सेल्फ मतलब टाइम तो हम आज भी निकालते हैं अपने लिए बट मोरऑरस दैट टाइम इज़ ऑल्सो अगेन कनेक्टेड टू समिंग डूइंग आउटसाइड हम बहुत टाइम निकालते हैं अपने लिए लेकिन वो डूइंग में इंटेंगल्ड होता है क्योंकि हम ह्यूमन डूइंग बने हुए हैं सारा दिन हमारी वो कैबलरी का आई हैव टू डू दिस आई हैव टू डू दिस आई हैव टू डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस और जब से हमारे पास इतने सारे साधन आ गए टेक्नोलॉजी हम डूइंग में और भी ज़्यादा इंटेंगल्ड हो गए हम बीइंग के साथ एकांत में अकेले कभी बैठते ही नहीं हैं क्योंकि जैसे ही बैठते हैं तो हमारे पास फोन है हम उसको फिर उठा लेते हैं तो हम बीइंग अपने आप के साथ नहीं बैठते हम डूइंग सो व्हेन वी से टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट टाइम मीन्स इन द बींग इन द बींग आप जहाँ चल रहे हैं भाई साहब वहीं बैठ जाइए एवरीबडी जीट और कुछ क्या लिया आज हाँ जी जो नए आए हैं उनसे पूछ रहे हैं बीके भाई बहनों से नहीं हाँ जी आप बताइए हु एम आई एंड हुई बिलोंग टू रियल खिसको खोने मत तू ओ हो और अपने अंदर के ट्रेजर्स हैं कौन से ओहो एंगर ट्रेजर नहीं है अपने अंदर के ट्रेजर्स मतलब पीस लव पावर और वो जो है ना एंगर वगैरह वो अपने अंदर के स्टोन्स हैं उनको तो फेंक दो ठीक है ना ट्रेजर्स को संभाल दो और बाकी स्टोन्स को क्या कर दो फेंक दो फ्लावर्स को संभाल दो थॉर्न्स को क्या कर दो निकाल के फेंक दो अब आपके पास जो नोटबुक है उसमें लिस्ट बनाना फ्लावर्स कौन से हैं थॉर्न्स कौन से हैं ठीक है तो एंगर क्या है थॉर्न है पक्का स्ट्रेस क्या है थॉन है फियर क्या है है। पक्का और क्या थॉन है मम्मी पापा का कहना नहीं मानना वो क्या है वो भी थॉन है तो आप तो क्लियर हो कि थॉन क्या है और फ्लावर क्या है है ना अब तो सिर्फ क्या करना है जब यहां से जाएंगे फ्लावर को यूज करना है थॉन को फेंक देना इजी बहुत ईजी वेरी गुड और जब आप अपने अंदर के थॉर्न्स को फेंक दोगे तो आपसे सबको सिर्फ फ्लावर्स की खुशबू मिलेगी आपसे कोई थॉर्न किसी को चुभेगा नहीं कभी भी है ना राइट right? और फिर जब आप कल स्कूल जाओगे अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप उसको थॉन तो नहीं चुबाओगे ना नो no. क्या दोगे फ्लावर दोगे देखो द बेस्ट स्टेज टू स्टार्ट दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टार्ट ईजीली समझ जाता है ईजिली अब्जॉर्व हो जाता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ईजिली कर्म में भी आता है तो सब जो आज पेरेंट्स आए हैं यहाँ उनको ये पक्का करना है जाने के बाद कई बार तो हम इस एज में यही सोच रहे होते हैं, हम बड़ी जल्दी आ गए हम बड़ी जल्दी आ गए कुछ दिन पहले नहीं पिछले साल हमारी माउंट आबू में रिट्रीट होती है तो छुट्टी लेनी पड़ती है अपने ऑफिस से जाने के लिए रिट्रीट के लिए तो किसी के सीनियर ने उसको कहा डोंट यू थिंक यू आर स्टार्टिंग दिस टू अर्ली तो कहते हैं सर आई थिंक आई एम ऑलरेडी लेट सो अर्ली एंड लेट का सिग्निफिकेंस क्या है बिकॉज हमने हमेशा उसको मापा एज ऑफ द बॉडी के अनुसार बट इट इज नॉट अबाउट द बॉडी इट्स नॉट अबाउट द रोल इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप इट्स अबाउट द सोल आत्मा आत्मा की कोई एज नहीं होती है लेकिन जितना जितना बाहर की चीज़ों की लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स डलती जाती हैं तो जो आत्मा का ओरिजिनल कलर है वो क्या होता है छुपता जाता है छुपता जाता है तो जितना यंगर एज में स्टार्ट करेंगे उतने लेयर्स कम उतारने पड़ते हैं कम उतारने पड़ते हैं तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे आप सेंटर जाएंगे सिर्फ आप नहीं जाना वो बच्चों को भी लेके जाना साथ में बिकॉज जब वो छोटे हैं वो वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा कैच करते हैं बहुत ईजीली उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं और उनके लिए वो होम बन जाता है उनके लिए वो फैमिली बन जाती है जाना हंसना वो कोई मेडिटेशन सीखने नहीं जाते वो आते हैं हंसते हैं बैठते हैं खेलते हैं जाते इट्स लाइक अ सेकेंड होम एक बार वो थोड़े बड़े हो जाएंगे दिन दिल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो जब छोटे होते हैं तब ले आते हैं तो वो बचपन से ही वो प्योरिटी के संस्कार में बड़े होते हैं उनके लिए वो ही नेचुरल होता है इस समय पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को राइट संस्कार दे रहे हैं लेकिन राइट संस्कारों पर अकेले खड़े होने की ताकत भी देनी पड़ेगी क्योंकि इस समय स्कूल में उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हो रही हैं कि नहीं चीज़ें हो रही हैं तो वो राइट right क्या है रॉन्ग क्या है उसका डिफरेंस कंफ्यूजिंग है क्योंकि मेजॉरिटी उनको दूसरी साइड पर दिखाई देते हैं तो वी हैव टू गिव चिल्ड्रन द पावर टू स्टैंड ऑन द राइट सही पर खड़े होने की शक्ति और वो हम कैसे देंगे उनको खुद सही पर खड़े होकर आज यहाँ से जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट बनाओ कौन सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ स्टाइल में जो पियर प्रेशर की वजह से हम कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारी सोल पावर को क्या कर रही है नीचे ला रही आती है कोई बात ध्यान में जो पियर प्रेशर की वजह से हो रही है क्या लगता है होती है आती है कोई बात याद में किसको किसको आ रहा है कुछ याद जो जो चीजें हम कर रहे हैं पियोर प्रेशर की वजह से कर रहे हैं हाँ जी बहन ये आंसर मैंने कभी नहीं सुना किसी से <laughs> आप बिल्कुल यूनिक हैं सीरियसली आपके स्पाउस आपके साथ आए एंड यू सेइंग टू हिम मैंने पियो प्रेशर की वजह से किए <laughs> अच्छा office party, office जी ऑफिस पार्टी ऑफिस लंच वी आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट और कुछ हाँ जी ओ एक मिनट एक मिनट धीरे धीरे बोलते हैं वी डोंट लाइक कॉफी बट वी हैव टू गो टू डिफरेंट शॉप्स क्यों अपनी अपनी लिस्ट बनाना अपनी अपनी लिस्ट बनाना बात छोटी होगी कॉफ़ी पीना लंच पे जो बोल रहे हो वो बातें छोटी हैं वो बात सोल पावर को उतना नहीं घटाएगी लेकिन पियर प्रेशर का विक्टिम बनना सोल पावर को घटाएगी विच मीन्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट इन माई हैंड्स आपको कॉफ़ी पीने जाना है तो आपको ये कहना होगा मुझे जाना है मुझे अच्छा लगता है मैं अपनी चॉइस से ये कर रही हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहती लेकिन सब बोल रहे हैं अगर सब बोल रहे हैं और नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है ये सबकॉन्शियस के अंदर कि हम क्या सोच रहे हैं और बोल रहे हैं हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे कर्मों और संस्कारों के लिए सही है प्योर प्रेशर का विक्टिम बनना सोल पावर को डिप्लीट करने का सबसे इजी तरीका है क्योंकि आप एक चीज़ में विक्टिम बनेंगे तो फिर आपकी अगली चीज़ में विक्टिम बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे उसके अगली चीज़ में और बढ़ जाएंगे तो हमें वो पावर लानी ही है और वो बहुत इजी है जब हमें पता हो कि मेरा फ़ायदा मेरा नुकसान किस चीज़ में है और ना बोलने की शक्ति द पावर टू बी एबल टू से अ नो हम नो क्यों नहीं बोल पाते हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है लोग फिर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें अच्छा नहीं मानेंगे डीप इनग्रेंड बिलीफ सिस्टम इज पीपल शुड लाइक मी पीपल शुड अप्रूव ऑफ मी पीपल शुड थिंक आई एम अ नाइस पर्सन लोग अंदर से मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो तो हमें वैसे भी नहीं पता वो हमें वैसे भी नहीं पता तो वो तो वी रियली डोंट नो अगर किसी दिन किसी का कबड़ खुल गया और पता चला ना आपके बारे में क्या क्या सोच के रखा हुआ है इट्स ऑल योर बिकॉज लोगों ने सीख लिया है कि दे कैन थिंक समथिंग एल्स एंड स्पीक समथिंग एल्स एंड बिहेव कंप्लीटली समथिंग एल्स वो तो आपको ये भी नहीं पता होगा आपका स्पाउस आपके बारे में क्या सोचता है दैट ऑल्सो यू डो नॉट नो नहीं पता चलेगा सोच बहुत डीप होती है बहुत सटल होती है कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सोच में ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं जब गुस्सा आता है या जब इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस होता है तो वो बातें हमारे मुंह से ऐसे निकल जाती है और तब हम खुद कहते हैं कि आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू सेट मेरे मुंह से निकल गया तो मेरे मुंह से क्या निकला मेरे मुंह से वो निकला जो क्रिएट करके पड़ा हुआ था फिर ऊपर से हम कहते हैं मेरे कहने का भाव ये नहीं था आई डिड नॉट मीन टू से एनी ऑफ दिस सामने वाला भी खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है इन्होंने बोला आई डिड नॉट मीन टू से इट ये तो गलती से मुँह से निकल गया दोनों रुक के ये नहीं सोचते कभी भाई मुँह से निकल कैसे सकता है कुछ अगर इफ आई डिड नॉट मीन टू से इट निकल ही नहीं सकता इट्स नॉट पॉसिबल इट्स जस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड इट एंड इट ह्योर जिस दिन वो कबड़ खुलती है वो सारा कुछ निकल कर आ जाता है लेकिन ये सब कुछ इसलिए क्रिएट होता जाता है क्योंकि हम उसको क्रिएट करते समय अवेयरनेस में नहीं है कि हम क्रिएट कर रहे हैं देखो अभी हॉल में कोई आएगा ना तो हमें उस तरफ देखना नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे पचास लोग आने वाले हैं तो अगर आप पचास बार वहां शिफ्ट करेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी शक्ति घटेगी डोंट लेट योर माइंड गो वेयर इट इज नॉट नीडेड राइट तो फिर हम उसको क्या कह रहे हैं तो तुमको इधर उधर इधर उधर करना अलाउड है फिर जब आप चाहते होंगे कि वो इधर फोकस करे वो फिर भी इधर उधर जाएगा क्योंकि आपने उसको इधर उधर जाने की परमिशन दी हुई है अब प्रैक्टिस करना कोई आ रहा है हॉल में वो अपनी जगह पर बैठ रहे हैं नथिंग टू डू विथ मी लुक स्ट्रेट पीछे जो फोटो है उसकी तरफ देख लो मन को इधर उधर जाने नहीं दो अगर हमने ऐसे समय पर प्रैक्टिस किया कि हम मन को इधर उधर जाने नहीं देंगे तो जब हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी वो मन हमारा कहना मानेगा लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाकी टाइम हमने ध्यान नहीं दिया हमने इधर ये वाली होर्डिंग पे क्या लिखा है वो टीवी पे क्या आ रहा है फोन ये सब कुछ किया एंड जब हम कंसंट्रेशन को चाहते थे वो हमारे पास नहीं थी और जब हमारे पास नहीं थी तो हमारे बच्चों के पास उससे भी कम है द प्राइम रीज़न वाई चिल्ड्रेन फील कॉन्सेंट्रेशन इज़ टफ फॉर देम राइट नाउ बिकॉज देर लिविंग इन अ वाइब्रेशन वे देर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो उंगली उनके ऊपर नहीं रखना कि आपने डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत है नहीं वाइब्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मन को जिस चीज़ पर लगाना है जितनी देर के लिए लगाना है और जिस थॉट को क्रिएट करना है उसको ही क्रिएट करना है इसलिए जब आपने फर्स्ट डे से ये लिसन किया कि आई एम अ पावरफुल सोल अब आपको प्रैक्टिस करने है इस एक थॉट को यहाँ पकड़ो अभी करो जब तक वो सब बैठेंगे हम यहाँ बैठेंगे पहले इसको विजुअलाइज करो नहीं आपको उंगली नहीं रखनी आपको सिर्फ इधर देखना है इसको विजुअलाइज करो पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी उसको एक स्टार की तरह विजुअलाइज करो विजुअलाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंसंट्रेशन तभी होती है जब माइंड एंड इंटेलेक्ट कट्ठे काम करता है माइंड थॉट क्रिएट करती है इंटेलेक्ट उसका विजुअल देखता है अगर हम विजुअल नहीं देखते हैं तो माइंड कहीं और चला जाएगा तो उसका विजुअल देखिए जैसे हम तिलक लगाते हैं बहने बिंदी लगाते हैं वो विजुअल देखो ये विजुअलाइज करो कि आपने तिलक लगाया हुआ है उस तिलक को देखो उसका कलर देखो गोल्डन कलर रेड कलर जो कलर तिलक उस तिलक को देखिए जितना उसको देखेंगे वो और क्लैरिटी से दिखाई देगा फिर खिसक जाएगा कुछ और आएगा वापस लेकर आओ उसको ध्यान रखना है देखना है लेकिन प्रेशर नहीं डालना है माइंड पर और इस तिलक को देखते हुए अब उस तिलक की जगह वहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी को देखना है लाइक अ लिटिल स्टार इंटेलेक्ट उसको देख रहा है माइंड थॉट क्रिएट करेगा साथ साथ आई एम अ पावरफुल सोल प्रैक्टिस है देखते रहना है और साथ में थॉट क्रिएट करने हैं। सिर्फ थॉट नहीं थॉट प्लस विजुअल आई एम अ पावरफुल सोल जब थॉट एंड विजुअल सेम होगा तब जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए आई एम अ पीसफुल सोल इसको अंदर जाने दीजिए सब कॉन्शियस में कोडिंग होती है I am अ पीसफुल सोल इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाए फिर कोई थॉट आएगी उसमें इंटेंगल नहीं होना वापस उसको रिपीट करना ध्यान रखना है कि विजुअल दिखाई दे रहा है अब अपने आप को देखिए घर पर बैठे हैं संडे इवनिंग आप घर पर होंगे सब बैठे हैं आपके आसपास सब कुछ करते हुए आप ये टेन सेकेंड्स निकालते हैं सबके बीच बैठे हुए और फिर विजुअलाइज करते हैं फिर से आई एम अ पीसफुल सोल थॉट नहीं सिर्फ विजुअल भी अब कल सुबह ऑफिस में जस्ट शुरू करना है अपना दिन का काम दस सेकेंड पहले रुकेंगे स्टॉप विजुअल थॉट क्रिएट आई एम अ पावरफुल सोल पावरफुल ऑलवेज काम एंड स्टेबल विजुअलाइज करो इसको सोचना नहीं है विजुअलाइज करना है अपने को ऑफिस में देखें कितनी सारी बातें आती हैं उन सारी बातों के अंदर आई एम अ पावरफुल सोल अब एक अगला विजुअल लेकर आएंगे कि मुझसे वो पावर विच इज इन देंटर ऑफ द फोर हेड इसका विजन लाना कि मुझसे जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं लाइक दैट वाइब्रेशन ऑफ पावर रेडिएटिंग फ्रॉम मी टू एवरी वन वर्किंग अराउंड मी विजुअलाइज द रेज ऑफ पावर मुझसे शक्ति चारों तरफ सबको फैल रही है इसका विजुअल लाइए सामने माई पावर एम्पावर अदर्स विजुअल मुझसे वो शक्ति उनको जा रही है अब अगर उस ऑफिस में कोई एक है जिससे मेरा थोड़ा सा रिश्ते में टक्कर है मेरी तरफ़ से है उनकी तरफ से है किसी भी तरफ से है कोई बात नहीं उनको सामने लेकर आओ उनको सामने लेकर आओ और अब ये देखना है कि मुझसे मुझसे मीन्स फ्रॉम आई द सोल सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोर है दैट इज आई सो बे ने वी से मुझसे इट इज आई द सोल मुझसे वाइब्रेशन इज रीचिंग द अदर सोल तो देखो जैसे कि एक लाइट है सेंटर ऑफ आपका फोरहेड टू द सेंटर ऑफ द अदर फोर फोरहेड रिलेशनशिप यहाँ बनता है रिलेशनशिप इज अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट ईच अदर हाउ वी फील अबाउट ईच अदर ये रिश्ता यहां बनता है अब देखो कि जो भी एनर्जी ब्लॉकेज थी हम दोनों के बीच वो बिल्कुल क्लियर हो रही है क्योंकि मुझसे पावर एनर्जी उनकी तरफ जा रही है क्लीन क्लियर अब अपनी बॉडी की तरफ देखो और विजुअलाइज करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड दैट पावर इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी शरीर में रेडिएट कर दो उसको मैं शक्ति इस शरीर के हर सेल में जा रही हूँ हर ऑर्गन में जा रही हो कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा सा है वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई दर्द कोई वीकनेस कुछ भी विजुअलाइज आई द सोल My power radiating to that organ of the body, my power flowing through the arteries—it's energy. Clean Karosko. Power flowing through the entire body, cleanse Karosko. बहुत कुछ सोच सोच कर मैंने इस शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स ट्रैप किए हुए हैं साफ करो उसको जैसे घर में से कचरा कैसे साफ करते हैं साफ करना है उस टॉक्सिन को अब विजुअलाइज करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड पावर रेडिएटिंग टू द एंटायर ग्लोब टू द्लैनेट पूरी सृष्टि पर शक्ति जा रही है किसी देश में युद्ध चल रहा है शक्ति भेजिए शांति भेजिए कहीं नफरत है आपस में प्यार भेजिए अब एक लास्ट विजुअल और अपने सिर के थोड़ा ऊपर सुप्रीम पावर को लेकर आओ ये थी मेरी शक्ति अब मैं अपने अंदर बनती हूँ उनकी शक्ति तो जैसे मैं आत्मा हूँ वो भी आत्मा है परम आत्मा है मैं पावर हूँ वो सुप्रीम पावर है लेकिन वो भी मेरी तरह एनर्जी एक एनर्जी तो जस्ट अपने सर के ऊपर देखिए अनदर पॉइंट ऑफ लाइट और विजुअल क्रिएट कीजिए उनसे मुझ पर शक्तियां पड़ रही हैं जैसे सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ती है और मेरे शरीर को हील करती हैं ऐसे परमात्मा के किरणें मुझ पर पड़ती हैं मेरे संस्कारों को हील करते हैं विजुअलाइज सर के ऊपर सर्वशक्तिवान है शक्तियों का सागर है प्यार का सागर है मुझे जो अपने अंदर भरना है मैं आत्मा उनकी शक्तियों से उनके प्यार से भरती जा रही हूँ और अगर आपके आसपास कोई है घर में या ऑफिस में जिनके अंदर किसी भी संस्कार या गुण की कमी लगती है आप परमात्मा से अपने अंदर भरते हुए उनको भेजते जाइए फ्रॉम गॉड टू मी फ्रॉम मी टू दैम लाइक अ लेजर बीम ऊपर से मेरे पास मेरे से उनके पास आपका बच्चा डिसीशन नहीं ले पा रहा है क्या करना है मुझे नेक्स्ट ईयर कोई कर्म ठीक से नहीं हो रहा है शक्ति भेजो उस आत्मा को शक्ति भेजो और शक्ति भेजने के साथ साथ ब्लेसिंग भेजो कि आपका हर डिसीजन एक्यूरेट है आप शक्तिशाली आत्मा हैं आपके आसपास किसी को डर बहुत लगता है चिंता बहुत होती है इनसिक्योरिटी है शक्ति भेजिए उनको ओके okay. oh, थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कैसे करना है आया किस किस को आया थोड़ा थोड़ा कैसे करना है तो आत्मा मतलब क्या वो कहते हैं ना मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा तीन काम करती हूँ मैं आत्मा थॉट्स क्रिएट करती हूँ उसको माइंड कहते हैं जब मैं आत्मा दी एनर्जी विजुअलाइज़ करती हूँ डिसीजन लेती हूँ उसको इंटेलेक्ट कहते हैं और जब मैं उसको कर्म में लेकर आती हूँ और वो कर्म बार बार रिपीट होता है तो हम उसको संस्कार कहते हैं तो माइंड इंटेलेक्ट, संस्कार इज नॉट थ्री डिफरेंट पावर्स इट इज़ वन एनर्जी देर इज़ ओनली वन एनर्जी इन दिस बॉडी बट दैट वन एनर्जी प्लेज डिफरेंट डिफरेंट रोल्स

आदत बट उसको फिर हम आदत नहीं बोलते उसको हम संस्कार बोलते हैं ये इनकी नेचर है वो हैबिट है ये नेचर है हैबिट चेंज की जा सकती हैबिट्स चेंज की जा सकती है यस नेचर चेंज की जा सकती है नेचर चेंज की जा सकती है ऐसा तो नहीं हम इस जोड़िया साइन में तो वैसे ही रहेंगे हम इनके घर में पैदा हुए तो मेरी वही नेचर रहेगी जो मेरे पेरेंट्स की है नहीं फाइव फोल्डर्स एवरी सोल हैज फाइव फोल्डर्स ऑफ संस्कार्स ये हमेशा याद रखना है खुद को भी समझ लेंगे दूसरों को भी समझ लेंगे यहाँ एक आत्मा है उसके पास पांच टाइप ऑफ संस्कार्स है फर्स्ट फोल्डर द संस्कार्स दैट आई सोल कैरी फ्रॉम पास्ट लाइफ्स एनर्जी कैन नीद बी क्रिएटेड

वॉट इज़ नो मोर इज द बॉडी क्योंकि हम उसको सामने अपने खत्म करते हैं हम उसको जलाते हैं उसको दफनाते हैं जो भी मेथड है हम उसको अपने सामने खत्म हुआ होता हुआ देखते हैं बट क्या खत्म होता है शरीर खत्म होता है वी शुड बी वेरी क्लियर दैट वॉट इज नो मोर द बॉडी इज नो मोर बट एनर्जी कैनोट बी क्रिएटेड कैनॉट बी डिस्ट्रॉइड तो एनर्जी तो कहीं और जाएगी ना फिर तो वो एनर्जी एक शरीर से निकलती है उसके बाद डॉक्टर कहेगा दिस पर्सन इज नो मोर एंड वो एनर्जी उतनी देर में जाके एक वोम्प में एंटर कर जाती है और वहाँ पर वो जो मदर है उसको सडनली मूवमेंट फील होने शुरू होती है तब तक वो सिर्फ एक फीटस होता है वो सिर्फ एक बॉडी अंदर क्रिएट हो रही होती है एक मंथ दो मंथ जो भी वो पीरियड होगा उसके बाद सडनली द मदर स्टार्ट फीलिंग समथिंग तो वो जो फीलिंग क्रिएट होने लगती है जहाँ फील होता है कि अब कुछ है मेरी बॉडी के अंदर दैट इज आफ्टर सोल हैज एंटर्ड इनटू द वोम ऑफ दैट मदर सो वेन दैट सोल एंटर्स इनटू द वोम ऑफ द मदर वो मम्मी और पापा को क्या लगता है ओ oh, हमारे घर बच्चा आने वाला है मतलब जैसे कि क्लीन क्लीन स्लेट आने वाली है अभी हम लिखेंगे उसके ऊपर हमको क्या लिखना है हम उसको सिखाएंगे हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे हम अपने बच्चों को वो बनाएंगे वो हमारे बहुत अच्छे संस्कार होते हैं लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि वो जो छः महीने के बाद हमारे हाथ में आने वाला है वो सिर्फ एक न्यू बॉडी है वो सिर्फ एक न्यू बॉडी है आत्मा तो हाउ ओल्ड सोल इज हाउ ओल्ड हमें लगता है बेबी इसको तो अभी हम ग्रूम करके कुछ भी बना लेंगे दिस इज वाई इट्स सो सो इंपॉर्टेंट हर स्टेप पे याद रखना मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं ये आत्मा है ये आत्मा है ये आत्मा है वो छोटा सा बच्चा आत्मा है सो हाउ ओल्ड इज दैट सोल किसने अगर वो जी हाँ थॉन वाला बच्चा बोलो कहा है अनकाउंटेड वेरी गुड सिर्फ आपका आंसर करेक्ट निकलता है आप बिल्कुल राइट हो बिल्कुल है ना काउंट <laughs> ही नहीं कर सकते ये सब इंटेलिजेंट हमारे बड़े काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं ये है ना ये है ना ये देखा आपने राइट आंसर बोला कैसे काउंट करेंगे हम हमें पता ही नहीं वो पहले कहाँ थे कहां थे कहां थे सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी राइट और लॉन्ग जर्नी पर इफ यू जस्ट डिटैच राइट नाउ एंड सी वॉट वुड बी द जर्नी ऑफ अ सोल ये जब एक बार देख लिया तो खुद को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और दूसरों को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और शादी करके इकट्ठे रहना भी बहुत आसान हो जाता है ठीक है हाँ और आज के बाद कभी नहीं बोलना कि प्योर प्रेशर बिकॉज देन यूर गिविंग रोंग एनर्जी इट इज़ अ रोंग वाइब्रेशन अपने किसी भी कर्म के लिए कभी भी चाहे आपको किसी ने बोला इसलिए आपने वो किया चाहे वो एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है एक रिलेशनशिप डिसीजन होता है कोई भी डिसीजन लोग हमें एडवाइस करते हैं कुछ लोग हमें थोड़ा फोर्स भी करते हैं कुछ लोग पुश भी करते हैं लेकिन फाइनली ऑलवेज़ रिमेम्बर कि डिसीजन किसका था डिसीजन किसका था but I had no choice. Never ever say I had no choice because you always had a choice but because of some reason you did not use that choice even if that reason is as beautiful as I respect my parents so I did what they asked me to do. But I did what they asked me to do. why this is very important because काम आप वो करेंगे रिश्ते आप वो निभाएंगे लेकिन अंदर अगर कोडिंग में ये लिख दिया ना कि मेरे पास चॉइस नहीं थी मुझे मजबूरी ये करना पड़ा तो वो आत्मा की कोडिंग बन जाएगी इस जीवन काल के लिए भी इस जीवन काल के लिए भी और वो ही कोडिंग आपके साथ जाएगी तो बहुत सारी जो इस समय हमारे बिहेवियर्स है ना वो हमारी पुरानी कोडिंग से चल रहे हैं तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है हमारी जड़ से पुरानी कोडिंग को भी चेंज करने के लिए इसीलिए आज से ये हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कुछ भी हो जाए यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो ध्यान से करना दिस विल बिकम योर परमानेंट रिकॉर्डिंग सो so, अगर आपको कोई फोर्स भी करता है कोई पुश भी करता है कोई सिचुएशंस वैसे बन जाती हैं आप वो डिसीशन लेते हैं वो डिसीशन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन उसके बारे में आपने कोडिंग अंदर क्या की उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा सो डोंट से आई डिंट वॉन्ट टू डू इट बट आई हैड टू डू इट आई डिड नॉट हैव चॉइस तो भी करना पड़ा मजबूरी थी उन्होंने ज़बरदस्ती की अगर कोई यहाँ आके बंदूक भी रख लेना तो भी चॉइस अपनी है. चॉइस है आई कैन चूज टू डाई राधर देन डिसन टू व्य रास्क मी टू डू सो फाइनली आई चूज नेवर लिव लाइफ लाइक अ विक्ट एन से बिचारा में आई डेंट है चॉइस नेवर बिकॉज वो आत्मा के अंदर एक कोडिंग बन जाएंगे थोड़े साल के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ेगी अगर बच्चा पैदा होगा वो बच्चा का बचपन से वो लाइन सुनेंगे मेरे पास च्वाइस नहीं है मम्मी ने बोला ना इसलिए करना पड़ रहा है मेरे पास च्वाइस नहीं है उसकी वो कैबलरी होगी वो बच्चे की वो सो आर पैटर्नस वी आर कैरिंग फ्रॉम आर मल्टीपल मल्टीपल लाइव्स सो इसीलिए आज से ये एक प्रायरिटी रख लो जो हम सोच रहे हैं ध्यान से सोचें वो मेरी रिकॉर्डिंग बन रही है वो मेरी कोडिंग बनती जा रही है सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करता है वो उसकी कोडिंग बन रही है उसकी कोडिंग देखते हुए मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो मेरी कोडिंग बन रही है तो सामने वाला अगर गलत बिहेव करे भी करे तो वो अपना कर्म गलत कर रहा है मेरे साथ मेरा भाग्य उनके बिहेवियर से नहीं बनता मेरी डेस्टिनी किससे बनती है आपकी जीवन आउट की आउटपुट किस बेसिस पे होगी सिर्फ जो कोडिंग आपने की है तो अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है बिहेवियर आपको ध्यान रखना है कि आप उसके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट करके यहां पर कोडिंग कर दो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ वन लाइफ टाइम की नहीं है ये रिकॉर्डिंग सिर्फ वन लाइफ टाइम की नहीं है अभी अगर कोई यहाँ फोटो खींचने आए तो हम सारे कैसे हो जाते हैं सडनली नेचुरल हो गया हमने कहा नेचुरल है फोटो खींच रही है तो कैसे हो जाएंगे हम ऐसे हो जाएंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे सब ठीक करेंगे और फिर पूरे ग्रुप की फोटो खींची कल आपके पास व्हाट्सएप पे वो फोटो आ गई बहुत सारे लोग हैं उस फोटो के अंदर किसको देखना पहले बस जीवन भी वैसे जीना है बहुत लोग हैं मेरे जीवन के अंदर मुझे किसको देखना है मेरी फोटो आनी चाहिए कौन सी वाली फोटो मेरे चेहरे की फोटो नहीं मेरे चेहरे की फोटो को क्या कौन सी फोटो ठीक आनी चाहिए जो यहां रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि जो फोटो यहां रिकॉर्ड हो रही है वो ही मेरी डेस्टिनी बनाती है आज भी आज भी आगे भी और आगे भी क्योंकि दो ही चीजें हैं जो हमारे साथ जाएंगी कौन सी जाती है एवरीथिंग फिनिशेस लेकिन आत्मा के साथ क्या जाएगा सिर्फ कर्म और संस्कार कर्म और संस्कार किस किस को लगता है आजकल बच्चे थोड़े ज्यादा हाइपर हैं कंपेयर टू तो हम जब बच्चे थे हाँ अभी क्वेश्चन मार्क है क्यों हाइपर है वो क्यों हाइपर है वो क्यों हाइपर है वो क्यों वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं नॉट एवरीबडी बट अ बिग नंबर जी मोर इंडिया मोर इमेजेस वन मोर रीजन वन मोर रीजन वो हमको फॉलो कर रहे हैं ओके वन मोर रीजन हम में से किस किस को लगता है हम भी थोड़े से हाइपर हैं अले हाथ उठाओ ना प्यार से अब अब सिर्फ इस जर्नी को चेक कर लो इस समय इस शरीर में आई एम अ लिटल हाइपर हाइपर मतलब इरिटेट हो जाना ऐसे क्यों क्या ऐसे क्यों क्या जल्दी इधर उधर ऐसा स्थिरता नहीं है दैट इज हाइपर हम छोटे बच्चे की तरह उछल कूद नहीं कर रहे हैं हम लेकिन यहाँ उछल कूद कर रहे हैं ठीक है तो हम यहाँ हाइपर हैं आज रात को मैं सोई कल सुबह नहीं उठी आत्मा शरीर से उड़ के चली गई माँ के गर्भ में प्रवेश किया अब जिस माँ के गर्भ में प्रवेश किया वो मम्मी पापा भी हाइपर है तो वो सेवन एट मंथ्स में भी उस सोल को वोम्ब में कौन सी एनर्जी मिल रही है हाइपर मिल रही है पहले वो सोल हाइपर था फिर पेरेंट्स हाइपर मिले उस नाइन मंथ्स में वो वाली वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब की फिर वो बच्चा पैदा हुआ तो आपको लगता है वो बहुत पीसफुल वाला आएगा कैसे आएगा कैसे होगा कैसे होगा सो इट इज नॉट ओनली अफकोर्स मीडिया एंड ऑल दिस प्लेइंग अ वेरी 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 बिग रोल बट इट इज़ सिंपली बिकॉज इट इज़ वन ऑफ अस हु इज़ नाउ अ बेबी इट इज वन ऑफ अस हम अभी यहां हैं और यहां से हम शरीर छोड़ रहे हैं। तीन साल बाद हम एक बच्चा बनके इसी हॉल में बैठे होंगे जो मेरे अभी संस्कार वो ही उस बच्चे के संस्कार इट्स लाइक अ प्लेयर सीडी एक प्लेयर से निकालनी है दूसरे प्लेयर में डालनी है प्लेयर बदला सीडी और उसके गाने बिल्कुल सेम तो अगर इस जीवन में आई फील रिजेक्टेड आई विल फील रिजेक्टेड एज अ चाइल्ड इफ दिस जीवन में आई एम इनसेक्योर आई विल फील इनसेक्योर एज अ चाइल्ड इफ़ दिस जीवन में आई एम वेरी मैनिपुलेटिव वेरी कंट्रोलिंग आई विल बी लाइक दैट एज अ चाइल्ड आई विल बी एग्जैक्टली वॉट आई एम राइट नाउ ओनली द साइज ऑफ द बॉडी विल बी तो जब वो बच्चा ऐसे खड़े होके आंसर देता है ना तो हम कहते हैं ओल्ड सोल वाइज सोल तो सिर्फ जो विजडम के आंसर देते हैं वो ओल्ड सोल नहीं होते हम हर एक ओल्ड सोल होता है हर बच्चा ओल्ड सोल होता है ओल्ड सोल मतलब जो पहले भी एक कॉस्ट्यूम में था फिर एक कॉस्ट्यूम है हर एक है सो द फर्स्ट फोल्डर दैट इज देयर ऑन द सोल इज़ पास्ट लाइफ संस्कार्स एंड पास्ट लाइफ इज़ नॉट वन पास्ट लाइफ इट इज़ माई ऑल जर्नी के संस्कार्स मेरी पूरी जर्नी एंड दिस अप्लाइज टू एवरी वन अराउंड मी हमारे लिए कई बार लोगों को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई ये ऐसे कैसे कर सकते हैं इनको कितना समझाओ इनको समझ में क्यों नहीं आता है बिकॉज दे आर कैरिंग दैट वेरी स्ट्रोंग संस्कार सिंस मैनी मैनी बर्ड्स मैनी मैनी बर्ड्स सेकेंड फोल्डर फैमिली इन्फ्लुएंस पेरेंटल इन्फ्लुएंस फैमिली इन्फ्लुएंस हम कहते हैं ना ये मेरे मम्मी पापा की आदत ये मेरे दादा दादी नाना नानी बुआ चाचा मामा आदत संस्कार इट इज बिकॉज दैट सोल वॉज इन द दूम्ब इन दैट वाइब्रेशन सबसे पावरफुल टाइम टू गिव गुड संस्कार टू अ चाइल्ड विच यू वॉन्ट टू चूज एंड गिव इज वेन दे आर इन द वोम्ब ऑफ द मदर उसको कहा जाता है गर्भ संस्कार बूम साइकोलॉजी क्यों उस समय सबसे पावरफुल टाइम है क्योंकि उस समय दैट सोल इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी उसका अपना कुछ नहीं है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है जैसे कोई कोमा में होता है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है कोई कोमा में है आप उसके लिए सिर्फ सोचो एंड वो आपकी थॉट को कैच कर सकता है आपको बात भी नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज द कैचिंग पावर इज हाइएस्ट किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है कैचिंग पावर इज हाइएस्ट सिमिलरली इन द वोम कैचिंग पावर इज हाइएस्ट सो द इजिएस्ट वे टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इज इन दो फर्स्ट थाउजेंड डेज जब तक उसकी अपनी इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा नहीं वर्क करनी शुरू कर लिया बट द हाइएस्ट इन द वोम अभी मन्यू की कहानी सुनी थी कब याद आया उसको चक्रव्यू में कैसे जाना है जब वो चौदह पंद्रह साल का था सुना कब था उसने जब वो गर्भ में था लेकिन ये नहीं सुना था बाहर कैसे आना है तो वो अंदर जा सका बाहर नहीं आ सका दिस इज नॉट अ स्टोरी इट इज़ अस टू लर्न कि जो हमने गर्भ में सुन लिया कैच किया वो हमारे लाइफ में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है इसीलिए जब वूम्ब में है आत्मा तो बहुत ध्यान से सोचे सुने पढ़े अब हम कम टू वाई चिल्ड्रन आर हाइपर। जब हम सब गर्भ में थे हमारी मम्मीज़ की जीवन एक अलग तरह की थी राइट right, कि नहीं अच्छी अच्छी फोटोज़ देखती थी देवी देवताओं के पिक्चर सामने रखती थी सब कहते थे इनको देखो इनको देखो इनके जैसा बच्चा आएगा आपके घर बोलते थे कि नहीं उनको आजकल की मम्मीज़ किसकी फ़ोटो देखती हैं बस तो जिसकी फोटो देखोगे उस टाइम पे इट इज दैट इज द इम्पैक्ट कि आप उस समय क्या देख रहे हैं सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं बोल रहे हैं इट इज अ कंप्लीट टोटल इम्पैक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दोज मदर्स उस समय का थोड़ा सा रखा हुआ ध्यान अभी क्या बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग मदर तो वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वर्किंग के साथ स्ट्रेस वर्किंग के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स वर्किंग के साथ गॉसिप वर्किंग के साथ हाइपर एक्टिविटी तो वो बच्चा पीसफुल कैसे होगा थर्ड सेट ऑफ संस्कार एनवायरमेंट एनवायरमेंट संग का रंग कहते हैं ना संग का रंग तो तीन साल तक बच्चा एक अलग तरह से सोचता है बोलता है स्कूल जाता है वो कैबुलरी चेंज होने लगती है बात करने का तरीका बदलने लगता है धीरे धीरे बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं ये कहाँ से सीखा कहाँ से सीखा सबने कहा अभी स्कूल जाना शुरू किया संघ का रंग इस समय सबसे बड़ा संघ कौन सा है पॉकेट के अंदर है दैट इज संघ का रंग जिस भी एनर्जी वाइब्रेशन के नजदीक हम रहते हैं उसका मुझ आत्मा के संस्कारों पर असर पड़ता है इसीलिए अपना सोशल सर्कल अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से चूज करिए आजकल सोशल सर्कल चूज किया जाता है बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स भाई इनके साथ रहने में फायदा है इनके साथ कनेक्शन बना के रखो सोशल सर्कल चूज कीजिए वो उस फंक्शन में जाइए उस पार्टी में जाइए उस गेट टुगेदर में जाइए जिसके बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है हमेशा हमेशा उस संग में जाइए जिस संग के बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे बोलेंगे उनकी तो अपनी हालत डिस्टर्ब है उनसे क्या डरना और ही अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको शक्ति देना शुरू करो रेडिएट पावर टू देम सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज मंडे टू फ्राइडे इतना काम करते हैं तो कहते हैं स्ट्रेस्ड है सैटरडे संडे कहते हैं पार्टी इतना ज्यादा करते हैं सोचते हैं वो डिस्ट्रेसर है आजकल की दुनिया की पार्टी डिस्ट्रेसर तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी आई थिंक दैट वीकेंड इज मोर डिप्लीटिंग देन द मंडे टू फ्राइडे उसमें खाना उसमें पीना उसमें बातें उसमें सोचना उसमें स्लीप साइकिल सब कुछ ही तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब चेंज लेकर आओ पार्टी एक नई तरह की करके दिखाओ पार्टी करो लेकिन पार्टी कैसी होनी चाहिए जिसमें ऐसा हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर मिले टाइम पर सोने जाएं घर ऐसी वाली पार्टी कर हो सकते हैं ऐसी पार्टी हो हैं नहीं हो सकते, हाँ yes. 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 <laughs> हाँ <हैं> जी <laughs> आपके सामने इतने सब लोग बोल रहे हो सकता है तो ये तो सारे आ ही जाएंगे ना फिर इसका मतलब आपको पता है डीप रूटेड डीप रूटेड हर एक को पता है राइट क्या है डीप रूटेड हर एक को पता है किस में मेरा फायदा है किस में मेरा नुकसान है कल सुबह आप चार पाँच बजे अपनी गाड़ी लेकर रोड पे निकलो रेड सिग्नल तो रोड पे ऑन ही होंगे पुलिस मैन नहीं होगा सीसीटीवी भी नहीं होगा बहुत लोगों को लगेगा कि उसको क्रॉस करना तो नॉर्मल चीज़ है और क्योंकि दो चार लोग क्रॉस कर रहे होंगे बाकी चार पांच पीछे इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो दो चार क्रॉस कर रहे थे आप क्रॉस करेंगे या आप रुकेंगे क्रॉस करेंगे रुकेंगे जी तो क्या करेंगे कौन कौन रुकता था कल तक कौन कौन कल से रुकेगा रुकना इसलिए है क्योंकि जब आप रुकते हैं आप अपने माइंड को बाइंड कर रहे हैं कि दुनिया देखे ना देखे सजा मिले ना मिले हम सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है और हमें सही ही करना है किसी और के लिए नहीं अपने कर्मों के लिए उसको सही करने की आदत पक्की करो आपने उसको एक जगह छुट्टी दी दूसरी जगह छुट्टी दी तीसरी चौथी छुट्टी वो अपने आप ले लेगा फिर दैट इज द थिंग वी हैव टू टाई आर सेल्फ विद दैट थ्रेड ऑफ डिसिप्लिन किसी और के लिए नहीं फाइन पड़ेगा इसलिए नहीं सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को आदत रहेगी कि मुझे सही कर्म करना है तो सही कर्म करने की आदत मन को नेचुरल पड़ती जाएगी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेड सिग्नल पर रुकेंगे शुरू में कोई कोई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे पीछे से हॉर्न बजाएंगे शीशे में आपको घूरते हुए जाएंगे भाई क्या प्रॉब्लम है क्यों खड़े हुए हो सड़क के बीच में क्योंकि उनके हिसाब से सुबह पाँच बजे खाली सड़क पर रेड सिग्नल पर खड़े होना इज लाइक like, कोई आपको ऐसे भी देखेगा कोई प्रॉब्लम है गाड़ी खराब है क्यों रुके हुए हो दैट्स हाउ मच पीपल कैन मेक यू फील दैट यू आर रॉन्ग एंड दैट इज दैट ओनली दैट टेन सेकेंड्स रुकना ध्यान करना और ये सारा पियर प्रेशर फेस कर लेना जो उस समय डटा रहा एक उसकी शक्ति बढ़ जाएगी क्योंकि दैट सोल डिड नॉट सकम टू ऑल दिस रिडिक्यूलिंग ऑफ पीपल हु वर ऑन द रोंग लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी देर में आपके पीछे दो लोग और रुकेंगे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे yes. रुकेंगे यस yes? और उन दो के पीछे दो और रुकेंगे और वो सारे जो रुकेंगे ना उसका पुण्य का खाता पता है किसके पास जाएगा नॉट दैट यू डिड इट फॉर दैट इट इज जस्ट दैट योर कर्मा विल गेट यू दैट सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मेजोरिटी पीपल आर अ फॉलोअर साइकोलॉजी दे आर नॉट अ लीडरशिप क्वालिटी एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ लीडरशिप बाई रोल ऑपोजिशन वी आर टॉकिंग ऑफ लीडरशिप बाई संस्कार मेजोरिटी में राइट right, ये वो इतना नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं वो करेंगे वो। पर लेकिन वो सब लोग क्या कर रहे हैं वो वाला जो संस्कार है ना वो इस समय बहुत रिस्की हो चुका है क्योंकि अगर सब लोग कोई नुकसान की चीज कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है वो सब लोग वो भी फॉलो कर रहे हैं फिर उसमें तो हमें वो संस्कार अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है क्योंकि जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके बच्चों के पास वो संस्कार क्रिएट करने की शक्ति नहीं आएगी आप ला नहीं सकेंगे एंड दे नीड दैट पावर मोर देन वट यू नीड टूडे आप आज से पांच साल के बाद की दुनिया देखो आज से दस साल के आगे की दुनिया देखो जहां डिस्ट्रैक्शन पता नहीं किस लेवल पर गए होंगे उसी दुनिया में रहना है उस बच्चे ने लेकिन उसके पास शक्ति होनी चाहिए सही पर खड़े होना इवन अगर सारी दुनिया मजाक उड़ाती है इवन अगर हमारे घर कोई नहीं आता है इवन अगर सब हमारे बारे में बोलते हैं हाउ बोरिंग हाउ ओल्ड फैशन हाउ बटेवर बुटेवर बुटेवर इट्स फाइन इट्स फाइन हम ऐसा कर्म तो नहीं कर सकते ना जिससे हमारा नुकसान होने वाला है और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसका भी होने वाला है लेकिन अभी नहीं पता चलता उसको तो आज यहां से जाने से पहले नोट जरूर करके जाना कौन सा कर्म हम वैसा कर रहे हैं जिससे हमारी शक्ति घटती है शरीर की हेल्थ अफेक्ट होती है लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं चाहे वो खाने पीने का स्टाइल चाहे वो काम करने का स्टाइल सोने का उठने का टाइम किसी ने शुरू किया रात को जाग कर पढ़ना उसको देख पांच बच्चों ने और शुरू किया उसको देख सौ बच्चों ने और शुरू किया आज देर इज़ वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु अर्ली एंड वेक अप अर्ली तो एक जनरेशन के अंदर हम नेचर को चेंज कर सकते हैं और फिर अगर कोई बच्चा आज उनको बोलेगा मैं तो दस बजे सो जाता हूँ तो उसके ऊपर हंसेंगे फिर उसके ऊपर हंसेंगे उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा लेकिन उस घर बच्चे के पास घर में वो एनवायरमेंट चाहिए ये सही है हम सब सही पर हैं यू डोंट वरी अबाउट तुम्हारे को बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं यू डू वॉट इज हेल्दी फॉर यू वो सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ना वो बच्चे को आप सबको पता है ना कि स्कूल के बच्चों के पास ये सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए पता है ना पता है वो क्या नुकसानदारी है लेकिन वो रेडी भी होते हैं कई बच्चे लेकिन फिर बाकी उनका मजाक उड़ाते हैं फिर क्या करेंगे आप फिर वो आपके आके बोलेंगे यू आर ओनली रॉन्ग बाकी सब के पेरेंट्स तो हाँ बोल रहे हैं सो यू नीड दैट पावर टू रेडिएट टू देम बट दैट ओनली कम व्हेन वी डू समथिंग विच इज़ राइट विच नो वन इज डूइंग तो इस संस्कार को नोट करके रखो बिकॉज इस संस्कार के बिना वो सारे राइट संस्कार लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर बिकॉज दिस टाइम वी विल बी मैनी टाइम्स अगेंस्ट द टाइड वी कैन नॉट बी ऑलवेज विद द टाइड वी विल हैव टू बी अगेंस्ट द टाइड सो लीडरशिप क्वालिटी विल हैव टू बी दिस स्टैंडिंग फॉर द राइट इवन इफ आई एम द ओनली वन अकेले खड़े होने की शक्ति शक्ति कुछ समय होता है उसमें अकेले खड़े होने का कुछ समय तो लोगों का रिडिक्यूल भी होता है हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है लोगों के मजाक से नहीं लोग बोलते रहे उससे हमारा जीवन नहीं बनता है तो तीसरा संस्कार है एनवायरमेंट संग ध्यान से रखना इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर चीज़ है कि हर जगह सेंटर्स बने हुए हैं सो दैट एवरीबडी कम्स टू द सेंटर ऑन द डेली बेसिस तो जब हम सेंटर पर डेली बेसिस में जाते हैं हम सिर्फ मेडिटेशन और स्टडी नहीं कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं जाते हैं उसी के लिए लेकिन हमें एक बहुत अच्छा लाइक माइंडेड सोल्स का संग मिल जाता है क्योंकि जब हम अपने ऑफिस में होते हैं वी आर वेरी द आर्ड वन आउट तो वो ऑड वन आउट अच्छी फीलिंग नहीं देता हर रोज तो इसलिए वो रोज सुबह हमें लगता है नहीं 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 हम नॉर्मल जो सब लोग कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ इसीलिए सेंटर हर जगह बने हैं फोर्थ फोल्डर विल पावर हमारे फर्स्ट थ्री फोल्डर्स में कोई भी संस्कार हो मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई इंसिक्योरिटी का फियर का रिजेक्शन का या मेरे पेरेंटल इन्फ्लुएंस से मुझे कोई संस्कार मिला है आपके अंदर कोई भी डीप रूटेड कोई ट्रामा है कुछ है मस्ट गो एंड आस्क योर मदर की वेन आई वॉज इन द हाउ हाउवर्स योर नाइन मंथ्स जस्ट गो एंड आस्क यू विल गेट सम आंसर्स फ्रॉम देअ यू जस्ट हैव टू आस्क सिर्फ पूछना है कि वो नौ महीने में आपके जीवन में सब क्या क्या चला था कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिलेगा और जैसे ही वो आंसर मिलेगा ना तुरंत अपने आप को कहना दिस संस्कार इज नॉट माइन वेरी सोन दैट संस्कार विल स्टार्ट लिविंग दिस संस्कार इज नॉट माइन दिस वॉज हर एक्सपीरियंस वेन शी वॉज गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड वेरी सोन यू विल बी एबल टू गिव दैट ऑपोजिट एनर्जी टू योर सेल्फ एंड चेंज द संस्कार तो फोर्थ संस्कार इज विल पावर कि मेरे दोस्तों से मेरे परिवार से मेरे पूर्व जन्मों से मेरे पास कोई भी संस्कार आया हो विल पावर से हम कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं दैट इज़ वे मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट्स वे स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पिरिचुअलिटी भी संघ का रंग है जब हम सेंटर पर जाते हैं संघ का रंग है आज आप यहाँ आए हैं ये संघ का रंग है ये संघ का रंग है एंड लास्ट फोल्डर फिफ्थ फोल्डर ओरिजिनल संस्कार ऑफ एवरी सोल ये चारों जो हैं ये अक्वायर हुए हैं मैनी बर्थ्स इन द वोम विथ सोशल सर्कल विल पावर से बनाए ये अक्वायर किए हैं लेकिन मुझ आत्मा का इस कॉस्ट्यूम में फर्स्ट कॉस्ट्यूम में फर्स्ट संस्कार वो फोल्डर में एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के ऊपर सेम होता है द फिफ्थ फोल्डर बाकी चारों हम सबके डिफरेंट है उस फिफ्थ फोल्डर में सेवन संस्कार हैं प्योरिटी पवित्रता पीस शांति पावर शक्ति प्यार लव सुख हैप्पीनेस, ज्ञान ज विस्ट एंड आनंद ब्लिस इसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा हर आत्मा सतो गुणी आत्मा है वो सात गुण कौन से हैं रिपीट करते हैं प्योरिटी नाउ व्हेन बी से प्योरिटी इट इतनी आज से हमने याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल ये मेरा संस्कार है पीस आई एम अ पीसफुल सोल आज दुनिया भूल गई आई एम अ पीसफुल सोल तो उनकी वो क्या बन गई है आई वॉन्ट पीस आई एम अ हैप्पी सोल आई एम अ पावरफुल सोल आई एम अ लव फुल सोल भूल गए आई एम अ लव फुल सोल तो क्या कर रहे हैं रिश्तों में क्या कर रहे हैं रिश्तों में आई वॉन्ट लव तो ये सातों चीजें हम आज बाहर ढूंढ रहे हैं सिर्फ क्योंकि हम भूल गए कि ये सातों संस्कार मेरे संस्कार हैं तो जैसे बॉडी इज मेड ऑफ फाइव एलिमेंट्स जैसे ही उस एलिमेंट में कुछ भी थोड़ा कम होगा हम कहेंगे हवा चाहिए पानी चाहिए बोलते हैं ना जैसे ही वो थोड़ा सा पानी पी लिया बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो शरीर पांच तत्वों का बना है उन पांच तत्वों को बैलेंस रखो बॉडी ठीक है जैसे ही सफोकेशन हो रहा है पानी नहीं पिया है बॉडी एकदम रेस्टलेस हो जाएगी और बॉडी कहेगी पानी चाहिए पानी चाहिए हवा चाहिए हवा चाहिए जैसे ही मिलेगी ठीक हो जाएगी आज आत्मा रेस्टलेस हुई हुई है आत्मा कहती है शांति चाहिए खुशी चाहिए प्यार चाहिए शक्ति चाहिए वो रेस्टलेस है क्योंकि वो अपने उस संस्कार को कर्म में यूज नहीं कर रही है और वो समझते हैं कि उसको बाहर से चाहिए अब ये फाइव फोल्डर्स को देख लीजिए और अपने संस्कारों को इसमें फिट करिएगा कौन सा संस्कार पेरेंट्स से मिला फिट करो कौन सा संस्कार बड़े होते हुए मेरा बना उसको वहाँ फिट करो कौन सा संस्कार मैंने कॉन्शियसली चेंज किया उसको विल पावर में फोल्डर में फिट करो और ये सेवन संस्कार्स को यहाँ फिट करो और बाकी सबको पास्ट लाइफ वाले फोल्डर में डाल दो ना आई नीड दिस इज माई पर्सनैलिटी लोग कहते हैं ना पर्सनैलिटी दिस इज माई पर्सनैलिटी दीज फाइव फोल्डर्स लेकिन वॉट इज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन गोइंग टू डू जो सेवन संस्कार्स फिफ्थ फोल्डर में है उसको इमर्ज करके एक्टिवेट करके बाहर लाना सो so, ये फाइव फोल्डर्स को आप फाइव प्लेलिस्ट की तरह देख लो आपके फोन पर है जो भी गाना बार बार हम सुनते हैं वही आगे आता रहता है वही आगे आता रहता है तो मेरे पास लाइफ के अंदर रिजेक्शन का गाना है तो बचपन से मैंने बोलना शुरू किया माई पेरेंट्स लाइक माई ब्रदर मोर माई टीचर लाइक्स दैट फ्रेंड मोर बचपन से गाना गाते बच्चे ये वाला उनको पेरेंट्स बोलते रहते नहीं हम तो दोनों को एक बराबर नो आई नो आई नो यू लाइक द अदर वन मोर वो बच्चे को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है वो पेरेंट को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है लेकिन उस आत्मा ने कभी ना कभी रिजेक्शन देखा है उस आत्मा ने कभी न कभी धोखा देखा है उस आत्मा ने कभी धोखा देखकर बहुत दर्द सहन किया है उसको ट्रस्ट करना भी मुश्किल लगता है लेकिन अब हमें समझ में आ गया दैट इट इज़ माई पास्ट लाइफ संस्कार तो फिर हम कॉन्शियसली इस फिफ्थ फोल्डर से एक संस्कार को उठाते हैं आई एम अ पावरफुल सोल एवरी वन लव्स मी एवरी वन रिस्पेक्ट्स मी आई एम अ लवफुल सोल आई लव माई सेल्फ तो अब एक ग्रूव बना हुआ है नोबड़ी लव्स में एक ग्रूव बना हुआ है नोबडी नीड्स में अब मुझे क्या करना है एक नया ग्रूव बनाना है नहीं तो मैंने उसी पर रोते रहना है और ऐसे रोते रोते एक दिन शरीर छोड़ना है बच्चा बनूंगी फिर सेम ही गाना रोना है फिर मैंने द सेम सॉन्ग इज गोइंग टू प्ले सो मेडिटेशन मीन्स टू चेंज द प्ले लिस्ट टू चेंज द प्ले लिस्ट तो जब आप कल यहाँ से आज शाम को यहाँ से वापस जाएंगे बातें तो वही आएंगे लेकिन अब आपने कॉन्शियसली वो सेवन जो संस्कार हैं उससे रिस्पॉन्ड करना है कोई बात आएगी आपके पास एंगर का भी गाना है आपके पास पीस का भी गाना है आपको चूज करना है इस ओकेजन पे कौन सा गाना प्ले करना है कौन सा गाना प्ले करना है गाना हमारी चॉइस से प्ले होता है या लोग आके बटन दबा के गाना बजा देते हैं कौन गाना प्ले कर रहा है गाना कौन प्ले कर रहा है माई थॉट्स फीलिंग्स वर्ड्स माई बिहेवियर वो कौन प्ले कर रहा है आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाइए आप दूसरे प्लानिट पे चले जाइए आपको शांति नहीं मिल सकती है क्योंकि शांति कोई बाहर पड़ी हुई चीज़ नहीं है यहाँ भी आप आए हैं आपको लग रहा होगा मुझे बहुत शांति मिल रही है आपको शांति यहाँ मिल नहीं रही है आपने यहाँ की वाइब्रेशन में अपने शांति के गाने को एक्टिवेट किया हुआ है अभी अभी आपका फ़ोन और लैपटॉप गुम जाए सारी शांति गायब हो जाएगी जगह तो वही रहेगी इट्स नॉट द प्लेस विच इज़ गिविंग पीस इट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग वाइल्ड यू आर ह्योर

हु इज चूजिंग माई हाउ आई थिंक स्वीक बिहेव कौन करता है हम चूज करते हैं ना कौन कौन एग्री कर रहे हैं हम चूज करते हैं कौन कौन फील करता है सिचुएशन डिसाइड करती है कौन कौन फील करता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ऑटोमेटिक होता है रिएक्शन नो प्रॉब्लम वो भी क्यों होता है Automatic. ये देखो, हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं जब हम पहले कुछ दिन गाड़ी चला रहे होते हैं हम कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग विद अवेयरनेस यहां हाथ करना है, ये करना है ये करना है वो करना है पूरा ध्यान किस पे होता है गाड़ी पे होता है थोड़े दिन के बाद थोड़े दिन के बाद आप गाने सुन सकते हैं आप अपना नाश्ता खा सकते हैं आप साथ वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से बातें कर सकते हैं एंड आप बोलेंगे हम पहुंच गए गाड़ी किसने चलाई गाड़ी किसने चलाई मेरा संस्कार ऑफ ड्राइविंग हैज द ऑटो मोड वंस अ संस्कार इज मेड वी डोंट कॉन्शियसली चूज द संस्कार इट जस्ट हैपन्स जैसले हमें पता नहीं चलता कि हम चूज़ कर रहे हैं रिएक्शन क्योंकि हमने उस तरह से रिस्पोंड कई बार करके उसको अपना क्या बना दिया फिर हम हॉलिडे के लिए अमेरिका गए वहां ड्राइविंग का तरीका थोड़ा सा अलग है तो थोड़े दिन हमें क्या करना पड़ता है चाहे दो दिन ही सही हमें क्या करना पड़ता है फिर से अवेयरनेस के साथ ड्राइव करना पड़ता है तीसरे दिन वहां जाके भी वो हैबिट बन जाती है उसके बाद अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ सड़क पे इधर उधर थोड़ा ध्यान रखो बाकी गाड़ी तो अपने आप चली जाएगी इट जस्ट रिक्वायर्स अ फ्यू डेज ऑफ अवेयरनेस टू चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ लिविंग टू वन अदर मैथड ऑफ लिविंग एक बच्चा था उसको पहली बार कम नंबर आए टीचर ने बोला पेरेंट को लेकर आना उस बच्चे ने कभी छूट नहीं बोला था लेकिन उस दिन उसके माइंड दो ऑप्शंस क्रिएट करेगा सच बोलो झूठ बोलो सच बोलो झूठ बोलो सच बोलो झूठ बोलो इट इज सोल हु इज डूइंग ऑल दिस इंटेलेक्ट हैज टू टेक अ डिसीशन सच बोलना है झूठ बोलना है अगर उस दिन इंटेलेक्ट ने बोला छोड़ छोड़ बहुत डांट पड़ गई उस दिन उस बच्चे ने पहली बार झूठ बोला फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली चोस टू टेल अ लाए कॉन्शियसली चोस टू टेल अ लाए अगली बार फिर बात आई फिर मन ने कहा ये करो या वो करो फिर मन ने कहा पिछली बार भी झूठ बोला था नहीं बोलना चाहिए फिर मन ने कहा तो क्या हुआ झूठ बोले थे तो बच गए ना नहीं तो क्या होता पता था ना सो माइंड इज लाइक अ लॉयर बहुत सारे ऑप्शंस देगा वो इस तरह से इंटेलेक्ट इज द जज अगर इंटेलेक्ट ने फिर से बोला बोल दे जीवन आसान दो बार तीन बार आठ बार दस बार उसके बाद ऑप्शंस बंद उसके बाद ऑप्शंस नहीं बंद होते बंद हो जाते हैं क्योंकि इंटेलेक्ट ने कहा ये तो हमेशा यही बोलते तो इंटेलेक्ट का डिसीजन, वंस ऑप्शंस बंद हो गए डिसीजन बार बार वो ही हुआ उसको हम कहते हैं ये इनका संस्कार बन गया ये झूठ बोलते हैं उसके बाद भी हमने नहीं चेंज किया तो फिर लोगों ने कहना है ये छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं सामने वाला बोलता है मैंने झूठ कब बोला उसको अब पता ही नहीं है क्योंकि वो संस्कार अब किस मोड में चला गया है सुपर ऑटो मोड अन अवेयर इट्स लाइक आप चाय पीते हैं हाउ मेन ऑफ यू हैव टी इन द मॉर्निंग टी कॉफी क्या आप रोज सुबह उठ के सोचते हैं आज चाय पीनी है या नहीं पीनी है आपने उसको अपनी हैबिट बना दिया है एंड आप इस हैबिट के साथ जीवन भर जी सकते हैं लेकिन अगर सडनली आपको कोई इंफॉर्मेशन फोन पे किसी वीडियो में या किसी इसमें नो 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 अर्ली मॉर्निंग डोंट हैव टी ऑन एन एम टी स्टमक हैव समथिंग एल्स इन्फॉर्मेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स उस दिन आप फिर से थॉट्स के ऑप्शन को खोलेंगे कि भाई चाय नहीं पीनी तो क्या पीनी फिर फिर आपके ऑप्शन निकलेंगे ग्रीन टी लेमन वाटर कोकोनट वॉटर लस्सी बहुत सारे ऑप्शन है उस दिन इंटेलेक्ट ने डिसीजन लेना है कोकोनट वाटर माइंड कहेगा रहने दे बहुत सर दर्द होएगा इंटेलेक्ट कहेगा कोकोनट वाटर लोग भी कहेंगे काम नहीं करना क्या सारा दिन चाय नहीं पी गई तो कैसे काम करेंगे सारा दिन थोड़े दिन ऑफ प्योर प्रेशर थोड़े दिन ऑफ प्योर प्रेशर आपको सर दर्द होगा थोड़ा सा अन लगेगा आप कहेंगे नहीं आई एम चेंजिंग अ हैबिट थोड़े दिन आपने कोकोनट वाटर पी लिया उसके बाद कोकोनट वॉटर गोज इन टू एन ऑटो मोड उसके बाद आप रोज सुबह उठ के सोचते नहीं क्या पीना है नहीं इट्स फिनिश्ड हो गया संस्कार बन गया इसी तरह कभी इस जीवन में या किसी और जीवन में मैंने गुस्से का संस्कार क्रिएट कर लिया किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा कोई उस टाइम कॉन्शियसली चूज करके अब गुस्सा नहीं कर रहा है कहते गुस्सा तो आ गया और अब तो ये भी नहीं बोलते गुस्सा आ गया कहते गुस्सा उसने दिला दिया मतलब मेरा संस्कार भी मैंने नहीं यूज किया मेरा संस्कार भी उन्होंने आकर मुझे गुस्सा दिला दिया विच इज अ लाइफ ऑफ ऑटो मोड स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू टेक अस बैक फ्रॉम ऑटो मोड टू अ लाइफ ऑफ अवेयरनेस अगेन टिल वी मेक द अदर संस्कार इन टू मोड अब कल एक दिन कल नहीं आज शाम से घर पे फिर कल एक दिन कोई भी बात हो जाए क्या आप चाय की बजाय कोकोनट वाटर मतलब गुस्से की बजाय पीसफुली असर्टिवली बट पीसफुली कर सकते हैं रिस्पॉन्ड एक दिन के लिए वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम टी टू कोकोनट वाटर इट्स जस्ट अ चेंज ऐसा लगेगा कि चाय से कोकोनट वाटर तो इतना ईजी है बट गुस्से से शांति थोड़ी ईजी है उतना ही ईजी है प्रोसेस सेम ही है प्रोसेस सेम ही है उसमें भी विड्रॉल सिम्टम होता है इसमें भी होगा कहेंगे क्या है फटाफट डांटो फटाफट काम करो क्या हम आराम आराम से बात कर रहे हैं इतना टाइम किसके पास है लोग भी बोलेंगे गुस्सा नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा सब लोग सिर पे चढ़ जाएंगे वो भी बोलेंगे सब कुछ होगा एक्सपेरिमेंट करके देखो तो कौन रेडी वन डे वन डे आपको लगता है आप एक दिन कर लेंगे बिना गुस्सा के रियली आप एक दिन पूरा क्रॉस कर लेंगे बिना गुस्सा के अगर कोई सड़क पे आपके साथ गलत बिहेव किया ज्यादा हॉर्न बजाया आप पीसफुली जाएंगे ना ऑफिस तक कल बहुत सारी हैबिट्स तो ऐसे ही चेंज हो जाती है बहुत इजी होती है चेंज करने कई लोगों को आदत होता है कोई भी ज्यादा हॉर्न बजा रहा है कोई भी रॉन्ग तरह से ओवरटेक कर रहा है कोई कुछ कर रहा है क्रिप 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 भाई आपकी क्रिप तो आपकी खिड़की को क्रॉस करके उन तक पहुंच भी नहीं सकती है लेकिन आपका वो क्रिप क्रिप किसकी शक्ति को घटा रहा है ध्यान रखना है ये मेरी शक्ति है इसको ऐसे ऐसे से फेंकना नहीं होता तो एक दिन हम हर संस्कार में हर सिचुएशन में पीसफुली रिस्पॉन्ड कर लेंगे एवरीबडी राइट एवरीबडी अगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद अगर आपने फिर गुस्सा किया डोंट वरी इट्स परफेक्टली फाइन लेकिन अगर किया बस एक सेकेंड याद रखना कि ये नहीं बोलना उनकी वजह से इंडोस नहीं करना अपने एंगर को इंडोस नहीं करना उसको सही नहीं कहना कभी भी दूसरे को गलत नहीं कहना खुद के व्यवहार को गलत कहना उस दिन के चाहे उसने कुछ भी किया आई हैड option ऑफ responding अनादर वे था कि नहीं ऑप्शन हमारे पास एक अलग रिस्पॉन्ड करने का इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र देखा है उंगली पे जो घूमता है देखा याद है वो घूमना बंद नहीं करता कभी स्वदर्शन चक्र क्या करता रहता है घूमना बंद नहीं करता चलता रहता है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र सेल्फ चेकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन हर सिचुएशन में ये देखना है मेरा रिस्पॉन्स राइट था कि नहीं मेरी बात राइट थी कि नहीं मेरा व्यवहार राइट था कि नहीं तो अगर गुस्सा आया भी क्योंकि पुराना संस्कार रिकॉर्डेड है तुरंत उसको ठीक करना परमात्मा कहते तीन तरह के लोग होते हैं एक जिनको गलत करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं चेक करना हम कौन से वाले में जैसे अभी हमको पता होता है क्योंकि हमने अपनी इधर डाल दिया है कि गुस्सा करना नहीं करना है तो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं ना, हमें करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं दूसरा जिनको करने के बाद लगता है कि हमने गलत किया और तीसरा जिनको करने के बाद भी नहीं लगता कि हमने गलत किया तो एक है करते हुए पता है कि गलत है दूसरा है करने के बाद पता है कि गलत है और तीसरा है करने के बाद भी नहीं पता कि गलत है एंड गलत हम उसी चीज को कहेंगे जिससे सोल पावर घटती है तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? किस किस को करते हुए पता होता है ये गलत है किस किस को करने के बाद पता होता है कि गलत है और किसको करने के बाद भी नहीं पता होता कि गलत है वो हाथ उठाएंगे नहीं क्योंकि अभी तक उनको नहीं पता कि वो गलत है एक्चुअली हम सब तीनों में है हम सब तीनों एक्सपीरियंसेस करते हैं हमारे के बहुत सारी गलतियां हैं अभी भी जो हम कर रहे हैं जो हमें नहीं पता चलता कि वो गलत है इसलिए तो हम अभी तक उसको कर रहे हैं जिस दिन हमें पता चलेगा कि वो गलत है हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे तो कुछ चीज़ें हमें करते हुए पता होता है कुछ चीज़ें हमें करने के बाद पता लगता है नहीं मुझे नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ें अभी हमें अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन जितना हम अपने की एनर्जाइजिंग करते जाएंगे ना हमारी चेकिंग एंड चेंज फाइन होता जाएगा बहुत सटल होता जाएगा जैसे इवन अ समथिंग लाइक एंगर तो जब हम पहले स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन शुरू करते हैं हमारा एंगर सिर्फ इतना है कि वो हमने उसको ज़ोर से बोल दिया गलत जिस दिन हमने जोर से नहीं बोला हम अपने को हंड्रेड और हंड्रेड देते हैं आज मैंने जोर से नहीं बोला फिर चेंज सटल सटल मैंने बोला प्यार से लेकिन क्या बोला शब्द सही थे धीमे आवाज में बोला लेकिन वो ठीक थी शब्द दुआओं वाले थे या दूसरे की निंदा वाले थे क्योंकि मैं बहुत पीसफुली जाके भी किसी को नेगेटिव बोल के आ सकती हूँ तो सेकेंड लेवल ऑफ चेकिंग वो थर्ड लेवल ऑफ चेकिंग बाहर से गुस्सा नहीं किया किसी को कुछ भी नहीं बोला सबने सोचा वो ये तो बहुत अच्छे हैं इन्होंने तो गुस्सा ही नहीं किया यहाँ चेकिंग है अभी यहाँ डिस्टर्ब हुआ सो दैट इज हाउ दैट चेकिंग बिकम्स मोर एंड मोर सटल सो इट विल गो फ्रॉम बिहेवियरल टू वर्बल टू थॉट लेवल टू ड्रीम लेवल आपकी ड्रीम्स में से भी ये संस्कार हट जाने चाहिए दैट इज़ वैन इट हैज डिसपियर्ड फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो आपको स्वप्न भी ऐसे नहीं आने चाहिए और वो बहुत ईजी है सफाई करनी शुरू की है पहले मोटे मोटे दाग हटेंगे फिर छोटे छोटे हटेंगे और फिर जो बिल्कुल सकल हैं वो भी हट जाएंगे तो अभी दो ही ऑप्शन हैं या तो अवेयरनेस के साथ दाग को हटाना है या तो फिर दाग बढ़ते जा रहे हैं आपको नहीं लगता दाग बढ़ते जा रहे हैं बढ़ रहे हैं कि नहीं एक छोटी सी लिस्ट बनाए गुस्से के अलावा और कौन सा गुस्सा तो ठीक है पता है विजिबल और कोई संस्कार जो चेंज करना होता है जेलेसी।, जेलेसी अब इसको चेक करना पड़ेगा क्या मुझे जेलेसी फील होती है, होती है? सटल मोटा मोटा नहीं चेक करना कभी अपने आप को धोखा खाएंगे सटल एंड मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब हमें अपनी थॉट्स दिखाई देते हैं थॉट्स दिखाई देने चाहिए मैंने ऐसा सोचा ये मेरी थॉट आई और उसी टाइम दिख जानी चाहिए मतलब दाग लगा और दिखा कि ये दाग लगा ऐसे नहीं होना चाहिए दाग लगे पूरे दिन और पता भी नहीं चला कि दाग लगे थे इतने सारे चेक करना इसको जेल को नोट करके रखो परमात्मा कहते हैं जो गुस्सा करता है नुकसान करता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करता है क्योंकि गुस्सा कोई कितनी देर कर लेगा थर्टी सेकेंड्स वन मिनट टू मिनट और कितना गुस्सा करेगा कोई लेकिन ये जो अंदर वाला जो चलता है ना ये कितनी देर चलता है किसी को किसी से जेलिसी है वो कांस्टेंट है यहाँ पे अंदर ऐसे क्यों ऐसे क्यों इसलिए क्यों ऐसे क्यों ऐसे दैट डिप्लीट्स इवन मोर पावर देन एंगर

बिकॉज आई एम बींग नेगेटिव अबाउट समबड़ी एल्स सक्सेस मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए वॉट इज राइट किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए मुझे ओ यहां से तो हम देते हैं मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए ब्लेसिंग्स दुआएं तो कॉन्शियसली मन नहीं कर रहा होगा उस टाइम That is the change from the tea to the coconut water. हम रुकेंगे हमारा मन कह रहा होगा लेकिन ऐसे कैसे आजकल तो ये भी उनके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए ओ ऐसे कैसे हो गया उनकी फोटो पे ज़्यादा लाइक्स कैसे आ गए इतना ये सटल बहुत सतल है उस टाइम में रुक के अपने थॉट को चेंज करना है हमें लगेगा इतनी छोटी सी चीज़ है इतना सोचा ये छोटी सी चीज़ आत्मा की शक्ति को घटा रहा है ये छोटी सी चीज़ मुझे दुआएं देने की बजाय ईर्ष्या से अपना नुकसान करने का संस्कार ला रहा है ये छोटी सी चीज़ नहीं है ये छोटी सी लीकेज है जो बहुत सारी पावर को क्या कर देगी कम कर देगी सो किस किस को अपनी थॉट्स दिखाई देती है ओ मैंने ऐसा सोचा उनके लिए इस पर थोड़ा सा देखेंगे ना तो दिखाई देने लग जाएगा इट्स दैट एरिया ऑफ लाइफ Which we were not looking at. Now that we start looking at it, you'll be able to see everything. और जब देखना शुरू करेंगे तो लगेगा हो हो इतनी सारी चीज़ें चेंज करने के लिए कई लोग बोलते हैं अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा नहीं आ रही अब देखना शुरू किया है तो काम करना शुरू करना पड़ता है पहले तो देखा ही नहीं था तो चल रहा है चल रहा है हो रहा है जो हो रहा है जैसे भी कर्म हो रहे हैं तो जैसे ही थाट दिखे दिख रहा है दिस इज अ लोअर एनर्जी थॉट, जस्ट टेक टू सेकेंड्स टू स्टॉप चेंज इवन इफ यू जस्ट से आई ब्लेस देम, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू देम, आई विल वर्क हार्डर बस कन्वर्ट कर दो यहां नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होने दो इट इज लाइक व्हाइट पहना है उस पर दाग नहीं लगने दो कल एक और चीज करना कल पूरा दिन वाइट पहन कर जाना उसी से पता चल जाता है जीवन कैसे जीना है सुबह व्हाइट पहनना है रात तक व्हाइट पहनो ध्यान रखना है कि दाग नहीं लगना चाहिए दाग नहीं लगना चाहिए पहन सकते हैं एक दिन पूरा व्हाइट बिना दाग लगे पहन सकते नहीं पहन सकते किस किस के पास वाइट ड्रेस है एक एक है ना है ना चलो ऑफिस नहीं पहन सकते शाम को घर पहन लो एक शाम को कर लो सिर्फ वाइट पहनो सब कुछ करो खेलो कूदो किचन में जाओ सब कुछ करो दाग नहीं लगना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है धीरे धीरे वो ईजी हो जाता है थोड़े दिन के बाद वो नेचुरल हो जाता है हमें याद भी नहीं रहता हमने वाइट पहना लेकिन वो ध्यान रखना नेचुरल हो जाता है लेकिन इतना ध्यान रखने के बाद भी कभी कभी उस पर दाग लग जाता है लेकिन फिर तब क्या करना है जब दाग लगता है तब क्या करना है जब दाग लगता है अभी सपोज आज बारिश हुई थी गाड़ी से जस्ट उतरे तो गाड़ी पे वो जो मंड पे वो लगा हुआ था वो साड़ी पे लग जाता है तब क्या करना है उसी टाइम साफ करना है दिस इज स्पिरिचुअलिटी एक ध्यान रखो कि दाग लगे नहीं दूसरा दाग लगे उसी टाइम साफ करो मतलब उसी टाइम रुको अपनी इमोशन को चेंज करो दूसरे के लिए दूसरे ने गलत किया, किया मैंने कैसा सोचा अगर उसने भी गलत किया मैंने भी गलत सोचा तो फर्क ही क्या है फिर हम सही सोच कर अपनी वाइब्रेशन से दूसरे को उसके संस्कार चेंज करने की शक्ति दे सकते हैं द नीड ऑफ द आवर इज टू रेडिएट पावर टू पीपल दैट्स द नीड और फिर अगर सपोज उस समय रुक कर भी हमने वो दाग कपड़े से साफ नहीं किया तो कम से कम हम घर जाने के बाद हमारे पास वो स्टेन रिमूवर होता है उससे तो फिर अच्छे से स्रब करके उसको साफ़ करना ही है इसका मतलब अगर उस टाइम रुक कर भी थॉट चेंज नहीं किया रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन में बैठकर अपनी उस चीज़ को चेंज करके उस आत्मा को ब्लेसिंग्स भेजकर फिर सोने जाते हैं सोने से पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है लोग कहते हैं ना सुबह उठ के करना होता है सुबह तो करना ही है लेकिन रात को सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो मैंने सारा दिन में क्रिएट किया यहाँ पर सोच इमोशंस फीलिंग्स इंटेंशंस मेमोरीज वर्ड्स बिहेवियर जो कुछ मैंने किया है इट इज स्टिल ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड इट इज ऑन द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड रात को वो कहाँ चला जाएगा इट इज लाइक द बेडशीट एंड द मैट्रेस बिलो जब चाय गिरती है तो किस पे गिरती है चद्दर पर गिरती है जैसे ही चद्दर पर गिरती है हम क्या करते हैं तुरंत हम पहले ऐसे करते हैं हम उसको चद्दर को वहां साफ करने नहीं जाते हम पहले क्या करते हैं चद्दर को वहां से उठाते हैं ताकि उतने दो सेकंड में भी वो चाय किधर चली जाएगी नहीं तो एक बार वो मैट्रेस में गई फिर तो गई तब वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है आज सुबह कोई एक सेशन था तो किसी ने कहा मैं रोज़ सोचता हूँ मुझे सुबह जल्दी उठना क्यों मेरी नींद नहीं खुलती है क्योंकि हम रात को सोने से पहले सफाई करके नहीं सोते रात को सोने से पहले सफाई नहीं करते ना आजकल बहुत क्लटर है यहाँ पर अपने जीवन का क्लटर फिर वो फोन से देख देख के दुनिया का क्लटर यहाँ देर इज टू मच ओवर योर सो नाइट रात को बहुत प्रोसेसिंग है अंदर यहाँ पर सोने से पहले फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स ऑल्सो Forgive people, पीपल सीख आज किसी के साथ रिएक्ट किया था तो ईगो अगर घटाना है तो उनको मैसेज करो आई आ फॉर माय एंगर टुडे घटती है ईगो आत्मा अगली बार गलती कम करेगी क्योंकि उसको पता है रात को सॉरी मैसेज भेजना पड़ेगा लेकिन अगर फिर भी नहीं किया जाए तो यहाँ से तो कर सकते हैं करो यहाँ से आप थॉट क्रिएट करोगे उन तक पहुँचता है और आपकी थॉट साफ़ होती है रात को सोने से पहले शुक्राना करो किसी को गुस्सा किया था उसको माफ़ी मांगो किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया उसको क्षमा करो रात को सोने से पहले बोलो पास्ट इज पास्ट ओवर फुल स्टॉप आई रिलीज़ आई लेट गो डेफिनेटली से एवरी नाइट आई रिलीज़ आई लेट गो हमें क्या लगता है ओ, इतना सा बोला आई रिलीज आई लेट गो तो ऐसे चला जाएगा और कैसे जाएगा पकड़ा भी तो ऐसे ही था पकड़ते कैसे हैं बातों को यहाँ पर हाउ डू वी होल्ड ऑन टू थिंग्स उसने ऐसा किया क्यों ऐसा कैसे है ये बात तो हम कभी नहीं भूल सकते दीज आर थाट्स आई फगे आई रिलीज आई लेट को इज अ थाट वो भी थाट है वो भी थॉट है लोहा लोहे को मारता है सोच सोच को मारती है संकल्प संकल्प को काटता है जस्ट रात को सोने से पहले मेक दिस अ पर्मनेंट हैबिट फ्रॉम टू नाइट डी क्लटर क्लिन योर माइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप अगर आपके माइंड पर कि कल पता नहीं क्या होगा ऐसे होगा सोने से पहले उसको बोलो कल सब कुछ बढ़िया होगा कल मेरा यह काम बहुत अच्छा होने वाला है इट इज सर्टन काउंसिल एंड साइलेंट योर माइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डीप स्लीप किस किस का सुबह उठ के और सोने का मन करता है आजकल हमारे को डॉक्टर्स हमारी नींद के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं और सो और सो अपने मम्मी पापा से जाके पूछो कभी नौ घंटे आठ घंटे सोए थे वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो सो वी आर एक्चुअली वेस्टिंग टाइम बाय स्लीपिंग मोर वी डोंट नीड टू स्लीप मोर इट इज लाइक टायर योर सेल्फ मोर देन स्लीप मोर रेस्ट मोर अच्छा उतना करने के बाद सुबह फ्रेश हो तो भी ठीक है बट तो भी फ्रेश नहीं है सुबह बिकॉज देयर सो मच क्लटर इन द होल टाइम फ्लाइट पे बैठो तो लोग ऐसे ऐसे सब सो जाते हैं क्यों सो रहे हैं इतना इट इज़ अनदर एपिडेमिक इट इज़ कॉल्ड स्लीप डिप्राइव्ड अगर स्लीप पूरी नहीं होगी तो माइंड एंड बॉडी की हीलिंग कैसे होगी हाउ विल इट हैपन बिकॉज इट्स नॉट स्लीपिंग लॉन्गर इट इज स्लीपिंग डीपर डीपर सोना है लॉन्गर नहीं सोना है लेकिन डीपर सोने के लिए रात को सोने से पहले कुछ प्रोसेस करना है ऐसे नहीं सो जाना है कौन कौन रात तक काम करता रहता है दस बजे सोने के लिए कम से कम आठ बजे के बाद डिस्कनेक्ट करना होगा डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट मतलब नो ईमेल्स नो वर्क फोन कॉल्स नो मैसेजेस कल सुबह बात करेंगे खाना जल्दी खाइए और सोने से पहले खाना डाइजेस्ट हो जाए डाइजेस्ट करने के लिए दो ढाई घंटे चाहिए होते हैं जो बिना बात के नींद में हो रहा है जल्दी खाने से वो दो ढाई घंटे आपके वहीं बच गए काम हो गया आपका पूरा काम की बातें रात को सोने से पहले नहीं की जाती हैं फिर हम सो जाते हैं लेकिन मन हमारा वही काम कर रहा होता है कर सकते हैं हम डिस्कनेक्ट बाई एट ओ क्लॉक वो आप अपना आइटरी बनाएंगे लेकिन करेंगे कर सकते हैं नहीं कर सकते छोटा छोटा स्टार्ट करो इंडिविजुअल स्टार्ट करो जो टीम का लीडर है वो टीम के लिए स्टार्ट करो इट इज आर मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ वर्क कल्चर विच इज गोइंग टू गिव पीपल हैप्पीनेस एंड हेल्थ इफ दे आर नॉट हैप्पी एंड हेल्दी नॉट फॉर वेरी लॉन्ग विल दे बी एबल टू वर्क द वे वी वॉन्ट देम टू वर्क इट इज आर मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक प्रोग्राम था वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था और उनकी ओनर ऑफ दैट बिजनेस हाउस वाज राइट इन द फ्रंट रो एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी एंड ऐसे ही बोला इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो उसमें बोला कि आठ बजे डिसकनेक्ट करना चाहिए ही जस्ट गॉट अप डिसाइड ओके ठीक है हम कर देंगे एंड एवरीबडी ऑल हिस्स पीपल्स एंड नहीं नहीं सर नहीं हो सकता वो वो कंट्री की मार्केट ये कंट्री की मार्केट वो सब कुछ 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 लीडरशिप क्वालिटी क्या थी ही कम्स ऑन स्टेज एंड ई सेज करना है ये डिसाइड हो चुका है कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे फिनिश्ड दिस इज वट इज नीड इट इज वेरी एंड एम दिस इज वर्ड टू वर्ड वट ही सेट येट करना है ये डिसाइड हो गया कैसे करना है में करेंगे बात करेंगे उसके ऊपर के कैसे करना है करना तो है ही एंड नाउ ही हैज स्टेज इन थ्री मंथेंड पीपल ही इट फ्रॉम द एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन नॉट एक्सेस इट इवन इफ दे वॉन्ट टू इवन इफ दे वॉन्ट टू दे कैन नॉट एक्सेस दैट दिस इज लीडरशिप क्वालिटी फिर उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो फिर आपका बिजनेस अफेक्ट तो नहीं हो रहा कहते मैंने तो देखा ही नहीं है मुझे इम्पोर्टेंट ये है लोग ठीक है और मुझे ये पता है जब लोग ठीक हों तो बिजनेस गलत हो नहीं सकता इट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल दिस इज़ इट पर जब हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं हम वो पहले वो होंगे जो रेड सिग्नल पर रुकेंगे लोग आकर बोलेंगे नहीं 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 काम बिगड़ जाएगा लोग बिगड़ जाएंगे ये होगा स्टैंड फॉर द राइट एज अ टीम लीडर एज एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर ये आपका कर्मा बनता है कि आप अपने लोगों का ध्यान रखें लोगों को समय दें अपने परिवार के साथ बैठने का लोगों को समय दें अपने लिए कुछ करने का लोगों को समय दें ठीक से जल्दी सोने का वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वर्क इज नॉट लाइफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड अगर स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सोचो हैप्पी एंड हेल्दी लोग कैसा अच्छा काम करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे जब तक आपकी टीम या आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती, आप खुद अपने ले करो डिसकनेक्ट करो सुबह उठ के करो यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनी टाइम अगर आप ठीक से सोएंगे जल्दी उठेंगे सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे ऑफिस जाएंगे यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दैट ऑफिस आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे बिकॉज आपकी टॉलरेंस पावर हाई हो चुकी है लेकिन अगर आप रात तक काम करेंगे फिर आपका स्पाउस आपके साथ झगड़ा करेगा आपका बच्चा नाराज़ होगा आप थके हुए होंगे आप इरिटेबल होकर सोएंगे फिर सुबह झगड़े के साथ ही घर से निकलेंगे और फिर हम ऑफिस जाएंगे फिर थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलेगा तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा नेचुरल है हम वैसे ही थके हुए हैं कि नहीं थके हुए पर चेहरे पर फ्रेशनेस दिखाई देनी चाहिए थकावट नहीं यहाँ इस कैंपस में और हर सेंटर पर और सिर्फ सेंटर पर नहीं सब लोग जब घर में रहते हैं वो भी हर एक थ्री फोर्टी फाइव थ्री थर्टी थ्री फोर्टी फाइव के बीच में उठ जाता है एवरी सिंगल डे थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑफ द ईयर टेन ओ क्लॉक तक सो जाते हैं उतना ही काम करते हैं शायद उससे ज़्यादा करते हैं जो आप कर रहे हो लेकिन आपने सबके चेहरे देखे ना यहाँ कैसे हैं देखा ना वो खाली नहीं बैठे हुए उनके लिए सैटरडे संडे दिवाली कुछ नहीं है 365 सिक्सटी फाइव डेज ऑफ द ईयर लिविंग विथ टू हंड्रेड पीपल हु आर नॉट फैमिली हमें चार लोगों के साथ एडजस्ट करना है ये दो के साथ रहते हैं लेकिन चेहरे देखे कैसे हैं और वाइब्रेशन देखा कैसा है ये भी एक बिल्डिंग है आपका घर भी बिल्डिंग है आपका ऑफिस भी बिल्डिंग है हम ये वाइब्रेशन कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ उसको प्रायरिटी बनाना प्रायोरिटी बनाना तो करें अपनी टीम का ध्यान रखना शुरू करें अपने लोगों का ध्यान रखना शुरू करें विट विल स्टार्ट विथ पहले खुद एक्सपेरिमेंट करें अब वर्क से डिस्कनेक्ट करके ये ना कुछ और चीज़ से कनेक्ट करके बैठ जाए इट ओनली मीन्स डोंट कंज्यूम एनी स्टिम्यूलेटिंग थिंग इन द नाइट स्लो डाउन जो गियर वाली गाड़ी होती है वो पाँच पे नहीं जाके उसको स्टॉप करते फाइव फोर थ्री टू वन न्यूट्रल करके फिर साइलेंट आएगी हम इतना हाइपर वाली स्थिति में जाके ऐसे सो जाते हैं नॉट लाइक दैट स्लो डाउन और सोने से पहले कम से कम टेन मिनट्स पॉजिटिव कॉन्टेंट भर के सोइए दिस इज़ वाई स्परिचुअलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज बच्चों के अंदर इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है वो सारा दिन पढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं सोने से पहले फ़ोन ले कर बैठ जाते हैं वो देखते जाते हैं देखते जाते हैं कोई क्राइम कोई हॉरर, कोई कुछ कुछ और फिर सो जाते हैं फिर वो सारा क्राइम हॉरर वो सबकॉन्शियस में जाता है और आज उनके लिए फियर एंड एंग्जाइटी बढ़ता जा रहा है तो बी वेरी केयरफुल कि के रात को सोने से पहले कम से कम टेन मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट भर के सोए और सुबह के दिन की शुरुआत अपने आप जल्दी नींद खुलेगी नींद सुबह उठने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो सिर्फ रात को सोने का कॉन्सेप्ट ठीक करो सुबह उठना अपने आप होगा अपने आप होगा कौन कौन यहाँ पर चार बजे उठा आज और कल सुबह हाँ अभी कल से क्या करना है कल से क्या करना है नहीं नहीं जो पहली बार यहाँ उठे उन्होंने कल से क्या करना है मंडे से अच्छा किसको अच्छा लगा उठ के हाँ बस कल से सेम लेकिन उसके लिए क्या करेंगे यहाँ से हम जाने के बाद सेंट से कनेक्ट होंगे फिर हम वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी डेली करेंगे फिर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में नेचुरल आ जाएंगी और फिर वो जो सेवन संस्कार्स हैं इन द फिफ्थ फोल्डर उसको एक्टिवेट करना इमर्ज करना ईजी होगा आज जब आप ड्राइव करके वापस जा रहे होंगे एक छोटा सा होमवर्क करना लुक एट योर फैमिली मेम्बर्स Think about them and just check. They are not my wife, husband, children, parent. That's just a role. They are a soul who has been on a long journey. And they have carried a lot of sunscars, lot of karma. And shift today from SQ Karte, hai, ye kyun hai, to I understand them. I understand their journey. I accept them. एंड आई ब्लेस दैम उनको दुआ दीजिए वो सेवन संस्कार्स में से एक क्वालिटी सिलेक्ट करिए और उनको भेजिए आप शक्तिशाली आत्मा है यू आर अ पावरफुल सोल यू आर अ लवफुल सोल जब हम मेडिटेशन और डेली स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करते हैं ना सबसे पहली चीज़ जो फटाफट से चेंज होने लगती है वो थे रिश्ते बिकॉज़ रिश्ते यहाँ है ही नहीं रिश्ते यहाँ हैं एक जना अपनी सोच बदले रिश्ते बदल जाते हैं वन आउट ऑफ द टू यू डू नॉट नीड टू टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप दैट इज रॉन्ग कि दो लोगों को कुछ चेंज करना पड़ता है रिश्तों को ठीक करने के लिए नहीं दो में से एक को सिर्फ अपनी सोच को बदलना और रिश्ते बदल जाएंगे रिश्ते बदल जाएंगे और आज से एक मंत्र लेकर जाएंगे वापस कोई भी कुछ आपके साथ गलत बोल रहा है गलत व्यवहार कर रहा है रिएक्ट कर रहा है आप सिर्फ अंदर से एक थॉट बोलते जाओ ब्लेसिंग वो बहुत अच्छे है वो बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बस बोलते जाना बोलते जाना जस्ट सेंड दैट वाइब्रेशन वाइब्रेशन यू विल सी देम जस्ट सेटलिंग डाउन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू विल नॉट रिएक्ट आपके ऊपर कोई वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट होगी दूसरों की कमजोरियों से अपने आप को बचाना बचाना किस किस को पता है मेरे नज़दीक कौन सा सेंटर है मेडिटेशन सेंटर सबको पता है सब लोग उसी से कनेक्ट होकर ही आए होंगे जो नहीं आए हैं वो जाने से पहले पता करके जाना और यहाँ से जाने के बाद हम फिर से चार पाँच दिन के लिए एक घंटा जाकर मेडिटेशन का कोर्स फिर से करेंगे और उसके बाद तो वो सेंटर इज़ अ डेली प्लेस फॉर अस वहाँ पर क्लास हर रोज़ होती है थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑफ द ईयर फ्रॉम नाइनटीन थर्टी सिक्स तो 2024 सिर्फ लॉकडाउन के टाइम वो बंद हुआ है उसके अलावा कभी भी नहीं चाहे शहर में कोई भी हालात चल रहे हो तो उधर वन वन आवर बी ऑल गो और उसके बाद हम अपने काम पे परिवार के साथ पूरा दिन तेईस घंटे सबके लिए एक घंटा अपने लिए और वो एक घंटा जो अपने लिए निकालते हैं वो हमारे तेईस घंटे को चेंज करता है तो जितने भी आपको यहाँ बाकी दिख रहे थे जो गाइड्स थे वो सब आप ही की तरह आप ही के ऑफिसिस में काम करते हैं घर को संभालते हैं लेकिन ये एक घंटा वो रोज़ निकालते हैं वो एक घंटा रोज़ निकालते हैं जिससे उनके वो वाले सेवन संस्कार बढ़ते जा रहे हैं एक्टिवेट होते जा रहे हैं तो हमें जाने के बाद इसको करना कौन कौन टाइम निकालेगा जाने के बाद एक सबसे बड़ा मिथ जो है ना वी डोंट हैव टाइम इज़ अ बिगेस्ट मिथ इट्स नॉट वी डोंट हैव टाइम इट इज़ वी लैक पावर तो हमारे को सब कुछ करने में टाइम ज़्यादा लगता है और जितना जितना शक्ति घट घट रही है और लोगों को लगता रहता है मेरे पास टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है हम में से किसी के पास टाइम नहीं था जब ये पहली बार आए थे हम हम सब सोचते थे हम बहुत बिजी हैं फिर हमने एक घंटा निकाला फिर एक महीने के अंदर वो एक घंटा हमारी जर्नी में फिट हो गया और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम हो गया कि हम अपना एक घंटा निकालते हैं हम और कितनी सेवा करने के लिए भी टाइम निकालते हैं आज ये सारे जो आपके पास खड़े हैं ये काम को हम अपना छोड़ के आए आँग हैं आपके लिए क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है सो डोंट से आई डोंट हैव टाइम जस्ट से आई एक्सपेरिमेंट आई प्रायरिटाइज सेल्फ केयर सीधा होकर बैठे एक मिनट साइलेंस में अगेन दैट लिटिल एक्सरसाइज लाइट वाइट रखते हैं नॉर्मल लाइट हमें नॉर्मल लाइट में करना है जो हमारे घर में लाइट होगी ऑफिस में लाइट होगी बस इतना नॉर्मल बैठना है कि आपके ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल आंखें खुली रखना ऑफिस में आंखें बंद नहीं करनी हैं एंड जस्ट जेंटली ब्रिंग दैट अटेंशन टू द सेंटर ऑफ द फोर हेड विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट आई एम अ पावरफुल सोल हमें वो फिफ्थ फोल्डर से वो जो सेवन संस्कार्स हैं उनको अफर्म करके उनको एक्टिवेट करना है आप उस सेवन में से कोई भी चूज कर सकते हैं हर रोज आई एम अ हैप्पी सोल एनी कुछ भी हो जाए आई एम ऑलवेज हैप्पी आई रेडिएट हैप्पीनेस खुशी मेरा संस्कार है खुशी मेरा स्वभाव है हर बात को एक सेकंड में खत्म कर देना डिलीट बटन दबाना और उनको ब्लेसिंग देना ये मेरे लिए नेचुरल है दूसरे की सफलता को देखकर अच्छा फील होना उनको ब्लेसिंग देना ये मेरे लिए नेचुरल है ये मेरा संस्कार है आई एम हैप्पी सोल अब अपनी कोई भी एक आदत देखना जो पहले चार फोल्डर में है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसको कौन सी आदत से रिप्लेस करना है वो आपको इस फिफ्थ फोल्डर से ढूंढनी है तो खुद ही चूज कीजिए और उस फिफ्थ फोल्डर से वो वाली एक थॉट लेकर उसको आज से अपनी अफर्मेशन बना दीजिए कोई हर्ट जल्दी होता है एक्सेप्टेंस नीड करता है लोगों की लोग क्या कहते हैं उसका असर बहुत ज्यादा होता है तो से टू योर सेल्फ आई एम अ लवफुल सोल I love myself. I understand people have an opinion. I understand them. I respect them. I respect myself. I love myself. I am a loveful soul. <laughs> उस संस्कार का ग्रूफ जो है चेंज होता लगता है इट्स जस्ट वन थॉट एंड देन ड्यूरिंग द डे ब्रिंग दैट अफोमेशन इन टू एक्शन आज से लेके कल शाम तक चाहे कोई भी सीन आए कोई भी बात आए आई रिस्पोंड विद द संस्कार ऑफ़ पीस ये मेरी नेचर है और फिर कल हम सेंटर पर जाकर अपना टाइम फिक्स करके तीन चार दिन वो तो किसी भी टाइम पे किया जाता है हम मेडिटेशन सीखेंगे अब हम दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे हमारे बीच आशा दीदी आ रही हैं हम सब फ़ोटो खींचेंगे तो दीदी नीचे आकर यहाँ बैठेंगे हम सब नीचे बैठेंगे और वहाँ से आपकी फ़ोटो खींचेंगे अब फोटो खींचते हुए याद रखना कि ये तो सिर्फ़ एक फ़ोटो है हमारी कहाँ खिंच रही है कहाँ खिंच रही है हाँ इसको पक्का करके जाना आज यहाँ से फ़ोटो कहाँ खींच रही है यहाँ लेकिन दो मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे और अपनी फैमिली अपने कोलीग्स उनको देखो कौन से फ़ोल्डर से वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनको उस फिफ्थ फोल्डर से निकाल के ब्लेसिंग देना शुरू करो